बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रोना। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश, और सिंधी में इसको पेहू बोलते हैं, उर्दू में इसको पीहू। तो हमारा जो प्यारा सा मुल्क है इंडिया का, वहाँ इसको सब पोहा बोलते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट पोहा, जो कि बहुत ही बनाना आसान है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले 1 कप मैंने पोहा ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था, जिसमें से बहुत सी मिट्टी निकली थी। आप भी इसी तरह इसको साफ़ कीजिएगा। 10 से 12 मिनट मैंने भिगो दिया था। अब 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, 4 से 5 अदद इसमें इलायची ऐड की है। अब जो भीगा हुआ पोहा था उसका पानी हमने निकाल लिया है। अब ये पोहा हम इसमें ऐड करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे, ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। आप जब भी पोहा ख़रीदें तो आप ध्यान से ख़रीदें, क्योंकि व्यूअर्स कभी जो चावल, ये चावल के ही बने हुए होते हैं, वो कभी नए चावल होते हैं या पुराने चावल होते हैं, तो प्लीज़ आप देखकर फिर लीजिएगा। 1 से 1.5 मिनट होने के बाद हमने इसमें 1/2 कप चीनी ऐड की है और ड्राई फ्रूट ऐड किया है। हम शुरू से लेके आखिर तक इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएँगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब चीनी ने अपना पानी छोड़ा है तो हम इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट और चीनी मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए हम फिर से कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, पोहा हमारा तैयार हो चुका है। हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये स्वीट पोहा ज़रूर बनाइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंधी में इसको पेहू बोलते हैं, और सिंध की भी ये मशहूर डिश है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।